नाज़रीन, दहशतगर्दी के तीन मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत में तौसी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई अदालतों में कई बार पेश हो चुके हैं। सलमान सफदर जो वकील है उनकी जानिब से कहा गया, चेयरमैन पीटीआई की उम्र 71 साल है, 140 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं, कितने केसेस हो गए हैं? एटीसी जज ने इस्तफसार किया, आज कहा गया कि 170 केसेस हो गए हैं जी, 200 होने वाले हैं। वीडियो के जरिए शामिल तफ्तीश कर लिया जाए, चेयरमैन पीटीए के तफ्तीशी अफसर चेयरमैन पीटीए को शामिल तफ्तीश करें, ये भी कहा गया। एटीसी इस वक्त, इसके बाद मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा, ये एटीसी के जज ने फैसले, और लेकिन दरख्वास्त की गई थी कि वीडियो के जरिए तफ्तीश में शामिल कर लिया जाए। चेयरमैन पीटीआई पर दहशतगर्दी के मुकदमात के हवाले से उनकी जमानत में तौसी कर दी गई है। सलमान सफदर की जानिब से आज अदालत में ये मौकफ अपनाया गया कि वो बारहा अदालतों में पेश भी हो चुके हैं। बड़ी ईद की खुशियों में बोलने दिया अपने अवाम का साथ, अवामी शिकायत पर बोलने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 अहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।